हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण देव कुमार में। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग देख रहे हैं जैन धर्म को और जैन धर्म से संबंधित आपके ग्रुप एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न को पॉइंट वाइज यहाँ पे हमने लिख दिया है। और देखिये, सबसे ज्यादा जो जैन धर्म और हम अगर बौद्ध धर्म के कंपेरिजन करेंगे तो इसमें आपको लगभग 70% प्रश्न आपको बौद्ध धर्म से बनेंगे 70%, और 30% आपका जो है सो हो सकता है कि आपको इससे बने या 30% से भी कम हो सकता है। यहाँ पे 80-20 का भी रेशियो हो सकता है। तो मैक्सिमम आपको जो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अगर आप दोनों को पढ़ने में 1 घंटे का टाइम देते हैं तो उसमें से आपको 40 मिनट बौद्ध धर्म पे ही देना है और बाकी 20 मिनट में आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको यहाँ पे कम चीज को पढ़ के, ठीक है, थोड़ा सा चीज आपको पढ़ना है और उतना ही पढ़ के आप इसमें नंबर ला सकते हैं, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर एक भी प्रश्न आता है एक नंबर मतलब आप समझ सकते हैं कि एक नंबर का वैल्यू क्या होता है। लगभग आपको जो एक नंबर है वो आपको 20,000 स्टूडेंट से आगे लेके जा सकता है, ठीक है, तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एक नंबर भी आपको यहाँ से आ जाता है तो आपके लिए समझिए कि 20,000 स्टूडेंट से आप ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। ये पहले तीर्थंकर थे। आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से आपको जो डिटेल में पढ़ना है वो जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी लेना है। अब बाकी ये थोड़ा सा नॉलेज आपको लेना है ये जैन धर्म क्या था, ठीक है, इसका जो मतलब किस चीज पे इसमें बल दिया गया था, ठीक है, ये सब कुछ इसमें ध्यान देना है आपको। पहले आपको याद रखना है संस्थापक पूछा जाता है, ठीक है, एकदम वही सारे प्रश्न हम लिए हैं जो कि पूछा गया है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको पूछा ही गया है ये प्रश्न कि जो जैन धर्म के संस्थापक है वो कौन है, तो ऋषभदेव, और ये पहले तीर्थंकर थे। चलिए अब हम देखते हैं 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है, 24वें तो पूछा ही जाता है, ये तो कंपलसरी पूछा ही जाएगा, लेकिन 23वां भी पूछ लिया जाता है कि 24वें, ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर कौन हो गए, महावीर स्वामी। तो जो पहला और 24वां ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आपको अगर देखिए आपका किस्मत खराब होगा तो आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको भी आपको याद करके ही जाना है। और हम तो कहेंगे कि आपको जितने भी जो जो आपको 24 तीर्थंकर में जो जो फेमस थे वो सारे आप लोग कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अब तक के, उसी को ध्यान में रख के हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरा करवा देना कोई बड़ा बात नहीं होता है, आप लोग बुक से उसको भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेलेक्टेड चीज आपको मिल रहा है तो वो चीज मायने रखता है। तो यहाँ पे हम सेलेक्टेड चीज मिल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उसके आने की प्रबल संभावना है, तो इसी वजह से आपको जो है सो ये सारे कुछ करवाए जा रहे हैं। देखिएगा, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर भी थे, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है, इनमें से कौन है, ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आपको टिक करना होगा महावीर स्वामी। देखिए, इनका बचपन का नाम भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए महावीर स्वामी का, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, ध्यान रखिए, वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान इनका बचपन का नाम था। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अब ये वैशाली कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनकी पत्नी मतलब महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। कभी कभी इनकी पुत्री का नाम भी पूछ लिया जाता है, इनकी पुत्री का क्या नाम था, तो इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, ठीक है, तो भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो प्रियदर्शनी थी इसके पति थे, ठीक है, मतलब एक तरह से कहें तो महावीर स्वामी की जो दामाद, ठीक है, वही जो थे महावीर स्वामी के पहले अनुयायी बने थे, तो ये आपको इम्पोर्टेंट होता है कि जो इनके दामाद थे, दामाद का नाम क्या था, एक मिनट रुकिएगा, इनके दामाद का नाम था जामिल। क्या नाम था, जामिल नाम था इनके दामाद का, जो कि महावीर स्वामी के पहले अनुयायी बने थे, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उनको
किस नाम से जाना जाता था, तो उनको निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ उनको कहा जाता था। अब आगे आता है कि महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था उसी को निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। तो महावीर स्वामी का निर्वाण जो है पावापुरी राजगीर, ठीक है, पावापुरी राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि 468 ईसा पूर्व जो है सो इनका जो है सो मृत्यु हुआ था, निर्वाण हुआ था। तो निर्वाण मतलब मृत्यु को ही निर्वाण कहा गया है, महावीर स्वामी की मृत्यु को। अब देखिए जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता था, तो जैनवाद में जो पूर्ण ज्ञान था उसको कहा जाता था कैवल्य। किस नाम से जानते थे? कैवल्य के नाम से इसको जाना जाता था। महावीर और बुद्ध किसके मतलब कि महावीर और बुद्ध किसके कार्यकाल में उपदेश दिए थे, ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। किसके कार्यकाल में? बिंबिसार के कार्यकाल में जो है सो ये दोनों जो है सो उपदेश दिए हुए थे साथ में, ठीक है। मतलब इन्हीं के कार्यकाल में ये भी उपदेश दिए थे, महावीर स्वामी भी और बुद्ध भी दिए हुए थे। किसके कार्यकाल में? बिंबिसार के कार्यकाल में, ठीक है। अब आते हैं अगला, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या समानता है। देखिए बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का बात होता है और जैन धर्म में भी अहिंसा को लेकर के बात कहा गया है, और दोनों अहिंसा से संबंधित है, इसलिए अगर समानता कहेगा तो अहिंसा अगर ऑप्शन में रहता है तो आप उसको यहाँ पे टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे है आपका जैन, जैन के त्रिरत्न क्या है, तो जैन के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तो आपको पूछ देगा कि इनमें से कौन जैन के त्रिरत्न नहीं है, तो ये तीनों को छोड़ के जो चौथा वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा उसको टिक करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बन जाता है, जैन के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अगला है जैन की संगीतियां, दो संगीतियां हुआ था, पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था गुजरात में। पहले के अध्यक्ष थे स्थूलवदन थे और दूसरे जो गुजरात में हुआ था इसके अध्यक्ष थे यहाँ पे क्षमास्तवन, ठीक है। तो क्षमास्तवन याद रखिएगा दूसरे वाले के अध्यक्ष थे, पहले वाले थे स्थूलभद्र, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, सारा कुछ हमने करवा दिया है। संस्थापक 23वें तीर्थंकर, 24वें महावीर स्वामी का जन्म, पत्नी कौन थी, इनके अनुयायी को क्या कहा जाता था महावीर स्वामी को, इनका जो निर्वाण है कहाँ पे हुआ था, पूर्ण ज्ञान जनवाद जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है, और ये सारे कुछ को हमने यहाँ पे करवा दिया। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, और कौन सा टॉपिक करवाना है ये आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हमको थोड़ा सहूलियत मिलेगा, क्योंकि आप क्या चाहते हैं, कौन सा आपको जो है सो कंप्लीट करवाना है, कौन सा टॉपिक, ऐसे अपने स्तर से तो हम जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा जो कि एग्जाम में आने के प्रबल संभावना है वो सारे टॉपिक्स आपको लेके आएंगे, चाहे दोस्तों वो रीजनिंग का होगा, चाहे वो आपका स्टैटिक का है, साइंस का है, वो सारे में आपको मेरा मतलब यही है कि मार्क्स कैसे बढ़ाया जाए, कैसे नंबर बढ़ेगा, इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो वही सारे चीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।